उनका करने वाला आस इतना कोई करी सकने हैं कि माल लाई ना लानी तो चारी सकने हैं रकबा जंगल लाया तो चारों का दुनिया आस इसी पहले तो चलो ये सोचने से कि दुआना मामला है भाई जड़ा ना आपस से कोई जाए तो वो गल लग गई पीछे मंदरा बड़ा मक्खी लगसी प्यार अयाजी ये क्या हुआ आपके वालदेन की पिटाई हुई है बड़ी बुरी तरह क्या मामला था सर वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक इलाका था और वहाँ से रास्ता जा रहा था पानी पे एक छप्पर था पानी का वहाँ पानी पिलाने के लिए मशीन के लेके जा रहे थे और उधर से मुझे कासिम ने एएसआई कासिम ने फ़ोन किया और मुझे बातों पे लगाए रखा और अपने बड़े भाई का मनीर और शोका और अपने भाई गुलजार को भेजा उन्होंने और मेरे माँ बाप को बहुत बुरी तरह से मारा मतलब मौत की नींद सुनाने की उनकी कोशिश थी लेकिन उन जंग लातू और बाजू तोड़ दिए और लगा कर मैं थोड़े बहुत तो बचे लेकिन नए बचने के काबिल हैं और उनने ये भी धमकी दी एएसआई कासिम ने अगर उनको मारा तो और मारो मार जाओ तो मैं देख लूँगा ऐसे 40 बंदे मारे जाएँ तो मैं देख लूँगा उसके बाद हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को कॉल किया उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं वो इलाका फॉरेस्ट का नहीं है अलबत्त वहाँ की वीडियो और फोटो हमारे पास मौजूद है और वो अपने मवेशियों को लेकर पानी पिलाने जा रहे थे वहाँ एक छोटा सा तालाब था उसमें पानी पिलाने जा रहे थे तो वहाँ से उन्होंने उनको मारा और चौकीदार वहाँ मौजूद था और बाकी ये बंदे वो जो मेरे साथ हैं ये बंदे वहाँ मौजूद थे उन्होंने देखा है बाकायदा उनकी वीडियो उन्होंने मारा है वहाँ बंदे पड़े हुए हैं कितने लोग थे वो सर वो 4 लोग थे